जो लोग बैठते हैं ना लाइफ ऑफिसेज में, ये अगर उनके पास ऑप्शन है हर 25 मिनट्स के बाद 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है, यू नीड टू स्टैंड ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो प्रॉपरली रेगुलेट हो. एक हम फुल बॉडी ब्रीदिंग करते हैं हर एक्सरसाइज के एंड पे, उससे क्या होता है कि आपका हार्ट रेट जो है ना वो लेवल हो जाता है. I have experienced such people जो सबसे पहले तैयारी करते हैं ना कि मैट होगा, उसके बाद हम different you know weight के dumbbells लेकर आएंगे, gym track suit लेकर आएंगे और एक पूरा environment, और इसके बाद चीजें गायब. So उसी में मेरे ख्याल से वो snap के चक्कर में ही रह जाते हैं, उनका वजन फिर नहीं घटता है. तो जो वाकई ही अगर आप really मोटिवेटेड हैं तो फिर आप घर में, जैसा कि नेहा ने कहा है कि कारपेट और पानी की बॉटल्स के साथ भी मोटिवेशन होनी चाहिए जनाब जी. हाँ, लोग काफी हद तक ही एक्सक्यूज यूज करते हैं कि मुझे सारी इक्विपमेंट, मुझे कपड़े चाहिए होते हैं उसके लिए, जगह चाहिए, टाइम चाहिए. इसे ऑफ स्क्रीन मैं भी आपके साथ यही कर रही थी और वही एग्जांपल मैंने दे दिया. तो हमारी 9 एक्सरसाइजेस पूरे हमारी फुल बॉडी को टारगेट करेंगी. तो हम पहले अपर बॉडी से शुरू करते हैं. पहले शोल्डर्स रोल बैक, टेल बोन टक्ड इन, हम अपने पेट को सक इन करेंगे अंदर. पेट को सक इन करके रोल, शोल्डर्स रोल बैक, और जब हम लिफ्ट करेंगे हम एक्सहेल करते सो और ट्विस्ट करके प्रेस अप. सो दिस इज अ कर्ल एंड अ प्रेस. ओके, बैक डाउन, और आप इसके 15 के 3 सेट कर लें. ठीक है, इससे पहले किसी भी तरह का लाइट कार्डियो या यू नो उसकी जरूरत, वार्म अप तो जरूरी होता है, हमें करना चाहिए, जरूरी होता है वो. किसी भी तरह की हम जंपिंग भी कर सकते हैं या एनीथिंग, वार्म अप भी कर सकते हैं. ओके, ठीक है, उसके बाद हमें स्टार्ट इससे किया है. ओके, हाँ जी, और इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज लैटरल रेजेस हो सकते हैं. तो अगेन वही, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, नीज में सॉफ्ट बेंड, शोल्डर्स रोल बैक, और बिल्कुल सीधा देखना है. तो आप अपने आर्म्स को लिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा एल्बो में बेंड आएगा और आपकी रिस्ट आई लेवल तक. ओके, तो आप ऊपर लिफ्ट करते हो और एक्सहेल करते हो, और इसको एक कॉम्पाउंड मूवमेंट बनाने के लिए आप दोनों डंबल्स को साथ लेकर आएंगे और ओवरहेड प्रेस बैक. और तकरीबन हमें 15 के 3 सेट्स, 15 के 3 सेट्स हर एक्सरसाइज. और मजे की बात ये, आप अपने मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आप आगे आप कम कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं. ये जो सेट्स हैं ये हमारी अपर बॉडी के लिए हैं बेसिकली. हाँ जी, अपर बॉडी के लिए. ठीक है, अक्सर लोगों का मोना नेहा हमारे, हमने देखा है कि खवातीन को स्पेशली कि उनके जो आर्म्स या जो शोल्डर्स होते हैं अपर बॉडी पे, यहाँ पे वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लेती है, पुट ऑन कर लेती हैं, और वो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ज्यादा खतरनाक वाला होता है. जो लो बॉडी पे करते हैं वो बच जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि वो कवर्ड अप होता है, वो इतना फील नहीं होता. लेकिन जो हमारी अपर बॉडी पे वेट गेन होता है उसको ज्यादा वो प्रोमिनेंट होता है, और ऐसे लोग ज्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं क्योंकि वो चूंकि फील हो रहा है, शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं. तो हम पहले अपर बॉडी की ही कुछ एक्सरसाइजेस और हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं. और लो इम्पैक्ट, यस, अपर बॉडी अक्सर वुमेन का ही ज्यादा वीक होता है, तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस पर काम करें. हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी पंचेज. ओके, तो अगेन शोल्डर्स रोल बैक, फीट हिप विड्थ, और अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, और ज्यादा झटके के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ पंच करना होता है. और इसके आप 15 रेप्स 3 सेट्स करते हैं. अच्छा, ये अब बहुत मैंने देखा कि बड़े प्यार से एक्सरसाइज की है मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी या यू नो एग्रेसिवली एग्जैक्टली करने की जरूरत, यही हमारा मैसेज है आज का. यू डोंट हैव टू गो एक्सट्रीम. आप देखिए 1 kg का वेट है, एनीबॉडी कैन मैनेज दिस. ये विदाउट वेट्स भी हो सकती है एक्सरसाइज. ये बिगिनर्स के लिए ही हमने इस एनर्जी के साथ होगी एक्सरसाइज, या फिर जब आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएंगे तो फिर यू नो मोर एनर्जी, मोर एग्रेसिवली करना है एक्सरसाइज को? तो नहीं, इसको एनहांस किस तरह कर सकते हैं? मे बी वी कैन ऐड मोर वेट्स. ऐड मोर वेट्स, आप रेप्स इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, और स्पीड, या बेसिकली ये. ओके, ठीक है. अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम खवातीन को भी और मर्दों को भी, स्पेशली वो लोग जिनका बैठने का काम ज्यादा है, ऑफिस वर्क ज्यादा है, वो खवातीन जो कि यू नो चाइल्ड बर्थ से भी गुजरी हैं, या वो खवातीन जो घर में भी हैं, इनफैक्ट जो हमारे पेट का बड़ा होना, सॉरी दोबारा करें, यही बहुत मसले है ना. चलें,
अच्छा मोना, उन खवातीन की बात करते हैं, उन मर्दों की बात करते हैं जिनका ज़्यादा ऑफिस वर्क है, जिनका बैठ के ज़्यादा काम है, ऐसे लोगों के टाइज बन जाना या पेट का बढ़ जाना बहुत कॉमन होता है, उनके लिए क्या ज़रूरी है? आई थिंक के जिन्होंने ये, आई थिंक बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं उनके साथ भी ये होता है, उन्हें 8 घंटे बैठना होता है, आप ऑफिस जाते हैं आपने 8 घंटे बैठना होता है, इसके लिए स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको योगा भी चाहिए होती है, आपको एक प्रोग्राम से ज़्यादा चाहिए. तो जिस तरह हमारे जिम में डायनामूव में हमारे पास योगा, पिलाटीज, स्ट्रेंथ और कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं जो डांस बेसिकली हम करते हैं, तो एक तो यही होता है कि आपने कोशिश करनी है आप 25 मिनट से ज़्यादा बैठें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी ब्लड फ्लो स्लो हो जाती है. और क्रंचेस भी हेल्प कर सकते हैं इसमें, कोई आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज कोई जगह को टारगेट नहीं कर सकते, दिखाते हैं क्रंचेस किस तरह से. हां बेसिकली इस पॉइंट पे मैं एम्फेसिस डालूंगी एक दफा कि जो लोग बैठते हैं ना लाइफ ऑफिसेज में, ये अगर उनके पास ऑप्शन है हर 25 मिनट्स के बाद 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है, यू नीड टू स्टैंड ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो प्रॉपरली रेगुलेट हो. सबसे पहले तो ये रूल है. स्ट्रेच भी अगर आप कर सकते हैं, स्ट्रेच भी आए, मोबिलिटी आपकी वापस आए, थोड़ा खड़े होकर स्ट्रेच वगैरह करें फॉर 1 or 2 minutes इफ यू कैन लीव योर वर्क, ठीक है. उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो लोअर बॉडी के लिए अब हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. तो ये आप वेट्स के साथ, वेट के बगैर और इससे भी मजीद ज्यादा वेट के साथ कर सकते हैं, ठीक है. तो पहले हमारी सबसे कॉमन स्क्वाट होगी. तो आपने इस तरह बैठना है जिस तरह आप कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हो, इसका मतलब है आपकी नीज आपके टोस के आगे नहीं. ओके, तो ये आप अपने शोल्डर्स पे रख सकते हो और नीचे बैठो, ठीक है. और पोजीशन का ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और आपने ये भी ध्यान रखना है कि सबकी रेंज डिफरेंट होगी शुरू में, आपके हेल्थ के, आपके वेट के मुताबिक होगी, ठीक है. तो जहाँ तक आप जा सकते हो कि आपकी बैक सीधी रहे, आप वहाँ रुक जाओ, ओके, वापस उठो, ठीक है. तो स्क्वाट्स बेसिकली हमारी लेग्स और प्लस हमारे जो पेट के मसल्स हैं उनके लिए, कोर के मसल्स के लिए. और ये एक्सरसाइज आप चेयर के साथ भी कर सकते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो थोड़ी सी ओबेस हैं, ठीक है. तो ये है कि ये यही मूवमेंट फॉर रेप्लिकेट चेयर के साथ, एक्चुअल चेयर के साथ भी बैठ सकते हैं, वेट्स निकाल दें और इसकी रेपिटेशंस बढ़ा दें. और कितने तकरीबन सेट्स इसके किए? 15 के 3 सेट्स इजीली हम इजीली कर सकते हैं. दैट्स अमेजिंग, ठीक है. और इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज मार्च. मार्च मार्च बहुत सिंपल होती है, हाथ आगे. ओके ओके. और ये तो स्पेसिफिकली दो चीजों को टारगेट कर रही है, योर एब्स एज वेल एज योर लेग्स. एंड दिस इज, ये आपकी जो टांगों की मोबिलिटी है ना बेसिकली, आप बैठते बहुत हैं तो ये बहुत आइडियल एक्सरसाइज है. आपकी टांगें, आपकी लोअर बॉडी जाग जाएगी इससे, कोर बहुत अच्छा मेंटेन होगा, ठीक है. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम डेली अपनी जो है वो एक्सरसाइज को चेंज करते रहें. डेली एक ही तरह की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आएंगे. ऐसे ही है. ओके. और अब आप देख रही हैं कि यही एक्सरसाइज में नेहा ने क्योंकि वेट्स ऐड कर दिए, तो अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलोरी बर्न और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. और आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन. 1 kg से कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता, बट इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. अच्छा नेहा, ये हमने वेट अपना कब बढ़ाना है, बिगनर जो लेवल है वो हमारा कब तक रहता है? जब आपको एक्सरसाइजेस आसान लगने शुरू हो जाए, क्योंकि अब तो आप बोर हो रहे हैं या आपको इतना मुश्किल लगा बेसिकली आपको. ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. आपको एक्चुअल अब नहीं और बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. कई लोग बोर हो जाते हैं कि भाई हमने सेम चीज नहीं करनी है, तो हम अब कुछ चैलेंज करें अपने आप को, ईगो में वर्कआउट करते हैं या ईगो लिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं. बट ये कि यू नीड अ मिनिमम ऑफ 2 weeks टू डू समथिंग, एंड उसके बाद 3rd week आपका प्रोग्रेशन आना चाहिए ताकि फॉर्म भी आ जाए, फ्लो भी बन जाए, टेक्निक भी जो है ना आपकी ठीक हो जाए. अच्छा मोना एंड नेहा, हमें एब्स कब करने हैं? बिगनर लेवल पर ही क्या एब्स की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की जा सकती है, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं? वो भी हमारे पास 2 स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है. 3 एक्सरसाइज क्या करेगा, मैं चाहूंगी पहले ये भी आप बता दें क्या ये बेसिकली. ये आपकी अगर आप इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं तो मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि आपकी वेस्ट को बहुत ट्रिम आउट कर देगा और ये कर देगा. इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, बट ये स्कल्प्ट ज़रूर करेगा और ये ओवरऑल आपके बैलेंस को भी इम्प्रूव करेंगे. एक्सरसाइजेज आपकी कोर स्ट्रेंथ जो आपकी पूरी बॉडी को पावर करती है, ठीक है, तो ये उसको इन्हांस करेगा. सम वेरी बेसिक मूव दैट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस. कोर
हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, आप मैट पे लेट सकते हो जो हमारे काफी क्लाइंट्स का फेवरेट पार्ट होता है, ठीक है। आर्म कीप इट डायगोनल, उसमें भी आसानी ढूंढ रहे होते हैं कि बस ठीक है लेट के एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओके ऐसा ही है। सो ये इतना आसान एक्चुअल में होता नहीं है, हम आखिर में डालते हैं, ठीक है, थक कर उनको बिठा देते हैं। और ये आपको कितने डेज अ वीक करना है? ये टोटल रूटीन जो हम बता रहे हैं 8 to 9 एक्सरसाइजेस की, ये आप एक महीने के लिए तो करके देखें डेली, और ओवर टाइम 4-15 मिनट्स ठीक है आप कर लें। इसको इंक्रीज अगर टाइम आपने इसका करना है तो आप इसके रेप्स 15 रेप्स से 30 रेप्स पे ले जाएं बाय द एंड ऑफ द मंथ, चैलेंज करें अपने आप को, बट कीप इट सिंपल। सो हमारी पहली एक्सरसाइज रशियन ट्विस्ट होगी, आप एक या दो वेट्स पकड़ कर आपने कम्प्लीटली टर्न करना है कि आपकी चेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। सो ये बेसिकली जो आपकी वेस्ट की साइड्स हैं जहाँ से मेन पता चलता है कि यू नो कितनी वाइड क्या, तो ये आपकी ओब्लिक्स को और आपकी जो वेस्ट है ना उसको बहुत अच्छे से ट्रिम डाउन करने के लिए ये एक बहुत अच्छी कोर एक्सरसाइज है। ये बहुत वेट डालती है आपके पेट के ऊपर, तो कैलोरीज और फैट बहुत अच्छी बर्न होती है इससे। और नेहा इसके आगे क्या है? क्रॉस बॉडी किक्स, ये आपकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में भी बहुत हेल्प करता है। तो फीट हिप डिस्टेंस अपार्ट, शोल्डर्स रोल बैक, ओके। अब ये थोड़ी डायनामिक एक्सरसाइज है, ये थोड़ा सा चैलेंज करेगा बिगिनर्स को शुरू में, मगर इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपका हार्ट रेट भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, विच इज आई मीन विच इज ऑल्सो द गोल। और दूसरा ये कि अगेन बैलेंस, एज वी ग्रो ओल्डर हमारा वेट की वजह से और सर्टन रीजंस की वजह से बैलेंस बहुत जो है वो ख़राब हो जाता होता है, दिस विल हेल्प यू बी वेरी एक्टिव। और जो लास्ट एक्सरसाइज है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बता नहीं सकती कि हम उसको कितना निगलेक्ट करते हैं और कितनी वो पॉपुलर एक्सरसाइज है और उसको मास्टर करना कितना ज़रूरी है। आप स्टार्ट कर सकते हैं 30 सेकेंड से, ठीक है, और अल्टीमेट गोल होगा आपका कि आप उसको 2 मिनट्स पर ले जाएँ, जो भी प्लैंक 2 मिनट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, दे आर फिट, ठीक है। यस, नेहा का पर्सनल रिकॉर्ड है यहाँ पे ओवर 4 मिनट्स, बट ये है कि और अब वो या सो ये है कि या बट प्लैंक इज सच अ सिंपल एक्सरसाइज बट आल्सो वेरी 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 बिल्ड करते करते और ये ग्रेजुअली होगा। स्टार्टिंग कितना होना चाहिए कि जो फर्स्ट डे कर रहे हैं उनसे नहीं हो पा रहा, जो ओबेसिटी के रेंज में, कई दफा मैं अपनी स्टोरी का आपको बताऊंगी कि जब मैं ओबीस थी तो मेरे लिए तो इवन 10 सेकंड्स मेंटेन करना मुश्किल था। तो इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो नेहा आपको बताएगी, नीज पे भी हो सकती हैं, ठीक है, फुल प्लैंक पे भी हम किस तरह जाते हैं वो भी बताएंगी, बट अल्टीमेट गोल इज जितना आप इसको बढ़ा सकें उतना अच्छा है। सो फर्स्ट आपने ध्यान रखना है कि आपका जो वेट जा रहा है ना आपकी पांचों फिंगर टिप्स पे, लोग ज़्यादातर रिस्ट पे कर जाते हैं फिर आपकी इंजरीज हो जाती हैं, तो ध्यान रखना होता है कि वेट जो है वो, और ये यू कैन डू दिस बाय थोड़ा सा आपका वेट आगे शिफ्ट करना, वरना लोग पीछे हो के, तो दिस इज द ईजिएस्ट मॉडिफिकेशन जो प्लैंक की हो सकती है होल्ड करने के लिए। इसके बाद पाँव आप बिल्कुल मैट के एंड पर उठाएँ और एक टेबल टॉप पोजीशन रखनी होती है, जिसका मतलब है अगर आप एक चाय का कप मेरे कमर पे रखेंगे वो नहीं गिरेगा, बिल्कुल सीधा। लोगों की अक्सर हिप स्पाइक हो रही होती हैं या आप नीचे ड्रॉप कर लेते हो, बिल्कुल सेंटर में और होल्ड रखते हैं। तो ये जिनका वेट ज़्यादा है ये वो लोग भी कर सकते हैं, जो हमने पहली मॉडिफिकेशन बताई है तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ इसके लिए बिल्ड करने के लिए तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही बेस्ट है। सो ये एक्सरसाइजेज हैं जो आप डेली करें। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये वाइंड अप करने से पहले कि हम जो एक चीज़ मिस कर जाते हैं, चाहे हम घर में एक्सरसाइज करें या जब हम इवन जिम में भी अपने जब सेशन कम्प्लीट करते हैं, तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम रहा कि हम स्ट्रेच किए बगैर जिम से फिर उस टाइम भागने की करते हैं, या घर में भी हम विदाउट स्ट्रेचिंग हम उठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अक्सर मसल स्ट्रेन रहता है या कोई ना कोई हमें बॉडी यू नो उस तरह से क्रैम्प्ड अप रहती है। एग्जैक्टली, तो स्ट्रेचिंग में बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है जो कि आपकी फुल बॉडी को स्ट्रेच कर देती है? नेहा, आई थिंक चाइल्ड्स पोज, ठीक है, और उसके साथ अगर हम फ्लो इन कर दें कोबरा के अंदर, यस कोबरा इज माय फेवरेट, कि वो you know, stretching बहुत आपकी body को relax कर देती है। Exactly, exactly. और ये है कि ये दो exercises को अगर आप combine करें और alternatively आप इसको 2 से 3 मिनट करें तो I feel like आपके shoulders, आपकी legs, आपके abs बहुत अच्छे से back देखते हैं। So नेहा, child's pose. So knees together. Okay. और आपने बस आगे fold होना है, बाजू full stretch करके try to push your armpits to the ground or stretch. और इसको आपने एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड्स होल्ड करके रखना है, जहाँ आपको फील हो रहा है कि भाई
ब्लड जो है वो आपके सर तक रश कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, और आप फाइनली कंफर्टेबल हो गए हैं, आपके हिप्स के जो है वो आपकी हील्स को टच कर रहे हैं, ओके, वहां से फिर आपने फ्लो करना है कोबरा के अंदर. सो यू मूव योर बॉडी फॉरवर्ड, एंड आपने करना क्या है इसके अंदर कि आपने मेक श्योर करना कि जो आपके हाथ हैं जिसे नेहा दिखा रही है शोल्डर से थोड़े से आगे होंगे, ठीक है, एल्बोज में बेंड होगा आपके थोड़ा सा, और मेन इसका गोल है कि आपने चेस्ट को लिफ्ट करना है अवे फ्रॉम द फ्लोर ताकि एब्स के अंदर एक अच्छा स्ट्रेच आए. होल्ड दिस फॉर 10 seconds, नो लॉन्गर देन दैट, क्योंकि बैक पे भी स्ट्रेन पड़ सकता है, और इसी से वापस आप चाइल्ड्स पोज में चले जाएं. इसको आप अच्छा, मोने मुझे बताएगा कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज भी हम ड्यूरिंग या जब वाइंड अप करें अपना सेशन तो हम कर सकते हैं, और वो कौन से हैं? एक हम फुल बॉडी ब्रीदिंग करते हैं हर एक्सरसाइज के एंड पे. उससे क्या होता है कि आपका हार्ट रेट जो है ना वो लेवल हो जाता है बिफोर यू स्टेप आउट और या फिर आपने वापस रूटीन की तरफ आना हो. तो 5 डीप ब्रेथ्स जो है हम ज़रूर लेते हैं.